हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शेफ राजेंद्रस किचन। और आज हम बनाएंगे सभी लोगों का फेवरेट स्टर फ्राई नूडल्स विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। इस रेसिपी का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसकी कटिंग। एक बार आपके पास कटिंग रेडी हो जाती है तो आप इस रेसिपी को 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। मेरे पास ये कैबेज जुलियन, कैप्सिकम जुलियन, कैरेट जुलियन और ये स्प्रिंग अनियन के व्हाइट पार्ट जुलियन और ये है बीन स्प्राउट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वेजिटेबल को स्टर फ्राई करते हैं। एक बार हमारा जो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाता है उसके बाद डाल देते हैं ऑयल। इस ऑयल को ऑयल के साथ में अच्छी तरह से गर्म करके लेना है। उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं ये चॉप गार्लिक डाल देना है। उसके बाद चॉप जिंजर, जिंजर और गार्लिक को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करना है। उसके बाद चॉप्ड ग्रीन चिली जो है आप अपने हिसाब से डालिए। आपको जितना स्पाइसी खाना पसंद है उस हिसाब से ग्रीन चिली डाल देना है। ग्रीन चिली को थोड़ा सा स्टर करना है। उसके बाद डाल देते हैं हमारे जो वेजिटेबल्स है। कैरेट को हल्का सा कुक करना है। जैसे ही कैरेट थोड़ा कुक होता है उसके बाद डाल देते हैं ये स्प्रिंग अनियन के व्हाइट पार्ट। मेरे पास ये 3 टाइप के कैप्सिकम, येलो, ग्रीन और रेड डाल देते हैं और इसको अच्छा सा टॉस करते हैं। इस वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको हमें क्रंची रखना है। लास्ट में भी डाल देते हैं इसके अंदर जुलियन कैबेज, देखिए और ये बीन स्प्राउट, छोटे वाले बीन स्प्राउट है उसको भी मैं डाल रहा हूँ इसके साथ में और इसको टॉस कर लेते हैं। कितना कलरफुल हमारे सारे वेजिटेबल कलर। अगर हमें क्रॉस करना नहीं आता तो आप इस स्पून से भी इसको स्टर फ्राई करते हैं। देखिए सारे वेजिटेबल हमारे हल्के से कुक हो चुके हैं। फिर लास्ट में भी इसके अंदर डाल देते हैं हमारे ये बॉइल्ड नूडल्स। अभी डाल देते हैं इस नूडल को इसके अंदर। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। अभी डाल देते हैं इसके अंदर सोया सॉस, थोड़ी सी ये रेड चिली सॉस। और सॉल्ट, ठीक है, उसके बाद डाल देते हैं ये थोड़ा सा व्हाइट पेपर। लास्ट में डाल देते हैं इसमें हम लोग स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से भी इसको टॉस कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नूडल्स हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं इस सॉस के साथ में और वेजिटेबल भी हमारे अच्छी तरह से स्टर फ्राई हो गए हैं नूडल के साथ में। चलिए अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। और उसको गार्निशिंग करते हैं इस स्प्रिंग अनियन के साथ में। ये स्प्रिंग अनियन
मस्टर्ड सेसमी सीड्स है, थोड़ी सी सेसमी सीड्स। इस तरह से तैयार है हमारा स्टर फ्राई नूडल। दोस्तों आप भी इसको अपने घर में बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।